What's up Gabriel, this is Game Tender and welcome back to a new gameplay video of Palworld. तो लास्ट वाले एपिसोड में आपको याद ही होगा कि हमने ये मैंशन बिल्ड किया था अपने पैल्स के लिए जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। इसकी डबल स्टोरी है और एक स्टोरी तकरीबन दो स्टोरी जितनी ऊंचाई है इसकी। तो गाइज अभी मैंने यहाँ पर फास्ट ट्रेवल कर लिया और ये अंदर क्या है, इन पर तो मैं बिल्कुल गौर नहीं करता। अच्छा ये एक कोई डंजन सी है, इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। ओ भाई अंदर तो काफी खतरनाक पैट है। तो इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ अपनी ब्रिस्टला को और देखता हूँ। ब्रिस्टला वैसे काफी अच्छे अटैक दे रही है लेकिन इसने बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक दिया है। गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक पैट है तो मुझे बाहर निकलना चाहिए अभी यहाँ से। यस लीव डंजन, इधर हम थोड़ी सी देर बाद आएंगे। गाइस यहाँ पर बाहर आते ही मुझे रोबिन क्विल दिख गया है तो इसे मारना भी जरूरी हो गया है। इसके ऊपर वैन वाम को मैं छोड़ देता हूँ, ये इसका काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है। ऐसे करते हैं हम एक रोबिन क्विल को मार ही लेते हैं। तो गाइस वैसे यहाँ पर रोबिन क्विल ने तो मार ही जाना है लेकिन ऐसा करते हैं इसे पकड़ ही लेते हैं। यार ये किस तरह मर गया है, इसे किसी और ने तो नहीं मारा, मुझे इसकी एक्सपी भी नहीं मिली। अच्छा मिल गई, 1919 आपको मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमने इस वाली लोकेशन से एक्सप्लोर आगे नहीं किया हुआ, तो यहाँ से एक्सप्लोर करना आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी अजीब सी अभी मैं लोकेशन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर एक तो ये गेयर क्लब है, ये लाजमी पड़ेगा, इसने देख लिया ना। यार सिने मौत को गलती से लगी है, यार क्या कर रही है। वैसे लड़ाना चाहिए अपने पैटकॉइन के साथ, ये कुछ ज्यादा ही चौड़े हो रहे हैं। अभी इसके साथ लड़ा देता हूँ। तो ये अब मुझे अकेली दिखाई दे रही है तो इसके साथ मैं छोड़ता हूँ ब्रिस्टला। इसके साथ ही वैसे वैन वॉम इसे ज्यादा अच्छा मारेगा। गाइस यहाँ पर मुझे काफ़ी अजीब से पैटर्न नज़र आ गए हैं जिनका लेवल इतना ख़ास नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कोई अकेला नज़र आया तो उससे मैं फ़ाइट ले लूँगा। तो गाइस अभी ये तीन है तो इन तीन के साथ ही फ़ाइट लेनी पड़ेगी। किंग पाका को डाल देते हैं। यार एक भी पकड़ में आ जाए ना तो काफी ज्यादा बढ़िया है ये। यार ये कौन सा है, एक मिनट, काफी ज्यादा हेल्थ इसने मेरी कम कर दी। मैं यहां से भागने वाली करता हूँ जल्दी से। ये क्या थर्ड ईयर आगे भाग गया और मैं यहाँ पर ही हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं उनके पास जा रहा था लेकिन काफ़ी तगड़ा एग मिल चुका है जो कि कौन सा है, लार्ज, अच्छा ह्यूज एग, हमें
फर्स्ट अपना यूज एग मिल चुका है, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा पॉकीमॉन नहीं निकलेगा। निकल आया इस पे से मेमोराइज तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। तो गाइज यहाँ वर्ल्ड एक्सप्लोर करते करते एक और एग हमें मिल चुका है, ये मुझे यूज ही लग रहा है। तो दो दो यूज एग हमें मिल चुके हैं यार, एक में से मेमोरस्ट निकल आया था, दो यूज है क्योंकि इनमें से सबसे तगड़े पैट निकलते हैं। तो गाइज एक और पेड़ मिल चुका है जहाँ पर लगे हुए हैं स्किल फ्रूट, तो ये काफी अमेजिंग थे। मैंने लास्ट टाइम ब्रेसला को सिखाए थे तो वो काफी ज्यादा तगड़ी होगी। तो गाइज अच्छा हुआ रात को मैं यहाँ पर आया, नहीं तो यहाँ पर काफी खतरनाक पैट्स हो रहे हैं। 28 लेवल की रेंडेक्स हो रही है। इसका लेवल कितना है? 29। और ये कौन सी है? किट्सन। 31 लेवल की किट्सन है। इससे 31 लेवल को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेवल काफ़ी कम है मेरा, तो लेवल को बढ़ाने के लिए मैं आ चुका हूँ डूमर को मारने के लिए। तो जल्दी से इसे मारते हैं क्योंकि बॉस को मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपी मिल जाती है। तो आगे अभी एक और नाइट विंग का बॉस है, तो उससे भी जाकर लड़ते हैं ताकि लेवल जल्दी जल्दी अप हो सके। तो गाइस यहाँ पर है ये नाइट विंग का बॉस, तो इससे मारना काफी जरूरी है। ऐसे करता हूँ मैं, इसके ऊपर ब्रिस्टला को भेज देता हूँ, वैन माम को भी भेजा, चले इसके बाद ब्रिस्टला को भेजते हैं। गाइस ऐसा करते हैं इसको पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि वैसे भी इसे मारने का कोई फायदा तो है नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कैप्चरिंग रेट बढ़ ही रहा है। आ जा 20% पे, आ जा ना, इतना ही है। तू दो बाल वेस्ट हो गई हैं यार। एक मिनट, इसके ऊपर क्यों नहीं लग रहा? ये लगना चाहिए था पहले भी। आ जा 66। गाइज फाइनली अभी हमारा लेवल अप हो चुका है और अभी हम ब्रीडिंग फार्म बिल्ड कर सकते हैं अपनी बेस के ऊपर, और दोनों यूज एग भी हमने लगाने हैं इनक्यूबेटर के अंदर। गाइज एक और स्किल फ्रूट मुझे जमीन पर से मिल चुका है, ये काफी अच्छी बात है। मैं किसी तगड़े पेड़ को सिखाता हूँ, जो इस अंडे में से निकलेगा उसको सिखाते हैं हम। तो गाइज ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए स्टोन और वुड दोनों की कमी है, और स्टोन जो है ना हमारे यहाँ पर पड़े ग्राउंड के ऊपर, तो इससे यहाँ से मैं कलेक्ट करके रखाता हूँ, क्योंकि जो ऐसे ज़मीन पर पड़ा होता है वो काउंट नहीं होता इसके अंदर। गाइज यार पाल टीम एक तो बहुत ज़्यादा हंग्री है, ये खाना कुछ ज़्यादा ही खाने लग पड़े हैं। मेरे पास इतना खाना नहीं है जितना मैं इन्हें डाल रहा हूँ अभी, तो ये बना भी इतना कुछ खास नहीं रहे। वैसे इनके पास भरा पड़ा है फिर भी ये जो है अनहेल्दी हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी मैंने फाउंडेशन लगाकर दोनों के दोनों यूज एग तो लगा दिए हैं इनक्यूबेट करने के लिए, और अभी यहाँ पर मैं ब्रीडिंग फार्म एक बिल्ड करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर आ जाना चाहिए। यार ये क्या मैंने कम जगह छोड़ दी। तो गाइस यहाँ पर ब्रीडिंग फार्म लग सकता है, तो मैं इसे यहाँ पर बिल्ड होने के लिए लगा देता हूँ। और दूसरा ब्रीडिंग फार्म मैंने रेंज के राइट साइड पर लगा दिया है, क्योंकि दो दो ब्रीडिंग फार्म बनाएंगे तो काफी अच्छी ब्रीडिंग होगी। और एक और इनक्यूबेटर वाला मैं यहाँ पर भी लगाने वाला हूँ, इसकी फाउंडेशन लगा दी इनक्यूबेटर, इसके ऊपर बाद में बिल्ड कर देंगे। काफी जल्दी इनक्यूबेट हो रहे हैं, एक हाफ हो चुका है और एक आप से काम है, चले ठीक है बिल्ड करना तू। तो गाइस फाइनली एक ब्रीडिंग फार्म बन चुका है, अभी बारी है दूसरे की, तो इसको बिल्ड करते हैं। इसके यार लैम बॉल देखिए क्या साइज है लैम बॉल का, ये लगी पड़ी है और रोबिन कोयल अपने से बिल्ड कर रहा है। तो गाइस फाइनली ये भी ब्रीडिंग फार्म बन चुका है, और इससे बनते बनते काफी देर हो चुकी है, रात हो चुकी है, तो मैं सुबह उठकर इसके अंदर ब्रीडिंग लगा देता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं जाने वाला हूँ जल्दी से ब्रीडिंग फार्म के अंदर कॉम्बिनेशन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं इसको लगाने वाला हूँ। गाइस अभी ये दो तो मैंने लगा दिए हैं, और नेक्स्ट जो है वो बूशी और पैंकी
हैकिंग की है, जिसके बाद हमें मिल जाएगा एनुबिस जो कि ग्राउंड टाइप इस गेम का बॉस है। तो गाइस अभी ये दो पैल्स लग चुके हैं जो दोनों मेरे फेवरेट हैं, और उस दूसरे में तो पता नहीं क्या ही निकलेगा, मैंने लगा तो दिया है जल्दी जल्दी में। तो गाइस टॉम बैट खाना खाता हुआ क्या ही मस्त दिखाई दे रहा है। चिकी पी को मैंने छोड़ दिया रेंच के अंदर ताकि ये हमें काफी सारे एग्स दे सके। जब मैं आ चुका हूँ हनी इकट्ठे करने के लिए, तो इनको मारने से मुझे पता है कि मिलता है हनी। गाइस फाइनली एक हनी मिल चुका है और बाकियों को भी अभी मारना पड़ेगा हनी लेने के लिए। तो गाइस फाइनली दो और श्रीमात मुझे मिल चुकी हैं और इनके इनसे हम ले लेते हैं हनी यहाँ से। एक हनी इससे मिल गया और दूसरा इससे मिल जाएगा। ब्रिस्ला को छोड़ते हैं इनके ऊपर, ये इसे अच्छा अटैक देगी। तो यहाँ पर काफी सारा हनी मैंने इकट्ठा कर लिया और अभी मैं जाता हूँ अपने बेस के ऊपर और देखते हैं कितने अंडे और बाकी सारी मिल्क चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं। तो आज की इस वाली वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।